Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot. Today I will make the prediction for Cancer zodiac sign कर्क राशि के जातकों का 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का समय कैसा जाएगा, ये मैं अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल से प्लीज़ मुझे मैसेज करें कि कर्क राशि के जातकों का कैंसर उनका जोडिक साइन है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का समय उनका कैसा जाएगा 15 डेज में। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो आया है कर्क राशि के जातकों का समय जो है वो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ही मिला जुला है। जैसे कि मैंने बोला था कि दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाने वाला है। जो मैंने अभी तक कार्ड्स निकाले हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी के, मैं देख रही हूँ कि कर्क राशि वालों का भी मिक्सचर है। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। कोई जो ना ऐसा है कोई बॉस का बेटा या बॉस का असिस्टेंट या घर में कोई फैमिली मेंबर में आपके जो जो पिताश्री के बेटे या देवर या जो, तो थोड़ा सा अगर आप बहू हैं घर के, थोड़ा सा ये कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई जन ऐसा है जो बीस्ट की तरह है आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। और जो अगर आप मेल हैं तो ऑफिस में ध्यान रखिएगा, कोई जना असिस्टेंट हो सकता है आपके बॉस का या कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो मतलब राजा के बहुत करीब है और बहुत ही एनिमल टाइप का, दूसरों को मतलब परेशान करने में उसको मज़ा आता है। इस तरह का व्यक्ति जो है वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपके संपर्क में आएगा इन 15 दिनों में। तो ये आपको देखना है कि वो कौन है, ऐसी हैबिट्स वाला, ऐसी आदतों वाला। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन दैट हु इज़ जस्ट लाइक एन दिस बीस्ट, अवॉइड दिस पर्सन। एंड आप अभी फ़िलहाल हो सके तो एक ईश्वरीय कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो इस वक्त बहुत ही कार्ड मैसेज कर रहा है कि प्लीज़ आप अपने गॉड से प्रेयर करिए कि उस व्यक्ति से आपको बचाए। मुझे नहीं मालूम ये कार्ड जो है ये कार्ड यहाँ पे कौन व्यक्ति होगा आप ही देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से आप अपने आप को बचाइए, ईश्वर से कहिए कि प्लीज़ मुझे गॉड मुझे बचाओ, क्योंकि ये एक ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर दिखा रहा है कहीं ना कहीं गॉड आपको बचाने की कोशिश करेंगे। और गॉड उन्हीं को बचाते हैं जो अच्छे, जो सच्चे दिल होते हैं, नेक दिल होते हैं। और कहीं ना कहीं आप जो हैं गॉड से ये भी प्रार्थना करिए कि जो रोड़े आ रहे हैं मेरे नए काम में प्रगति करने में उसमें ना आए, मैं प्रोग्रेस करूँ, मैं नया काम शुरू करूँ। इफ़ आई वॉन्ट टू डू एनी क्रिएटिव थिंग इन माई बिजनेस और आई वॉन्ट टू डू एनी समथिंग न्यू जॉब और एनी थिंग, आप घर में अगर स्त्री हैं तो घर में आप अगर हाउसवाइफ हैं तो कुछ नया, मतलब कुछ भी आप अपनी हॉबीज़ कर सकते हैं। इस वक्त आपका कॉन्फिडेंट रहेंगे इस वक्त काम शुरू करने में, लेकिन उससे पहले आपको ईश्वरीय कृपा लेना ज़रूरी, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स होना ज़रूरी, अदरवाइज़ ये इस तरह के जो व्यक्ति है ये आपको हर समय परेशान करता रहेगा। ये आपको देखना है। इस वक्त आपको हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तो आप जो है वो कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन उसके बाद आपको फील हो कि मैं जो हूँ वो बंधा हुआ हूँ और इस रास्ते से निकल नहीं पा रहा हूँ। आपको मालूम है कि मैं इस रास्ते से परेशानी से कैसे निकल सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ तक, उस डोर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप बंद हो गए हैं चारों तरफ से, महल में जैसे बंद हो गया है व्यक्ति, तो निकल नहीं पा रहा, उसको पता है कि कहाँ से निकलना है लेकिन निकल नहीं पा रहा। इस तरह की सिचुएशन आपकी 15 दिनों में रहेगी, तो सावधानी बरतिएगा, देखिएगा आसपास का एटमॉस्फेयर, आस पड़ोस में, ऑफिस में कलीग्स के साथ सावधानी के साथ अपने रहिए। और ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ों को देखिए ना कि बहुत ज़्यादा बोलिए। और यही एक मेथड है, बहुत आपका मन करेगा कि लोगों को जो है वो नॉलेज दें, अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपका यहाँ पे बर्निंग टावर का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि जैसे कि मैंने बोला कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मत करिएगा। कोई आपके पास कुछ नॉलेज वाली कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या नॉलेजबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मत करिएगा कि हाँ मैंने इतनी डिग्री प्राप्त कर ली है, मैंने इतना जो है वो प्राप्त कर लिया है, एंड वट एवर आई हैव गेन्ड यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग अमंग द पीपल, आप बता रहे हैं अपने लोगों को, तो ये मत करिएगा। कोई जना आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो ये कार्ड अच्छा नहीं आया कर्क राशि वालों का। अपनी चीज़ों को अभी तक रखिए,
प्लीज़ गॉड के संपर्क में रहिए कि वो आपको बचाएं इस वक्त, क्योंकि मुझे ये बर्निंग टावर वाला कार्ड ठीक नहीं आया है आप लोग के लिए। और ये जो कार्ड है ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है फ्रॉम द गॉडेस, दैट मीन्स आपको अपने जिस किसी भी भगवान को आप मानते हैं, गॉड को, गॉडेस को, किसी को भी आप मानते हो, प्लीज़ उनसे प्रार्थना करिए वो आपकी इस वक्त रक्षा करें। तो प्रेयर टू दैट गॉड, हूसोएवर गॉड यू बिलीव, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दिस बर्निंग टाइप ऑफ थिंग एंड फ्रॉम दिस पर्सन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।